ग्वालफली की सब्जी बनाने के लिए मैंने ग्वालफली ले ली है। ग्वालफली को मैंने इसके रेसे निकाल कर इसको दो भागों में तोड़ लिया है। इसे मैं अच्छे से धुल कर फिर बॉयल करूंगी। बॉयल ज्यादा देर तक नहीं करूंगी, थोड़ी देर तक ही बॉयल करना है इसे। तो चलिए इसे बॉयल करते हैं। ग्वालफली को बॉयल करने के लिए मैंने पानी गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें ग्वालफली को डाल देती हूँ। इसे बॉयल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें थोड़ा कड़वापन का टेस्ट आता है और बॉयल करने पे इसका कड़वापन निकल जाता है, इसलिए मैं इसे बॉयल कर रही हूँ। ग्वालफली पानी के साथ अब बॉयल होने लगी है। इसे 2-3 मिनट ही बॉयल करना है, इसे ज्यादा नहीं बॉयल करना है, थोड़ी देर ही बॉयल करना है। अब मैं इसे छान कर पानी से अलग कर लूंगी। ग्वालफली का मसाला बनाने के लिए मैंने 1/2 स्पून हल्दी पाउडर ले लिया है, 2 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून गरम मसाला पाउडर, 3 स्पून सरसों का पाउडर और 1/2 स्पून देगी मिर्च ले लिया है मैंने। इन मसालों में पानी डालकर इसका पेस्ट बनाऊंगी इस तरह का, बहुत ज्यादा न थिक न थिन मैंने पेस्ट बना लिया है। इसके अलावा मैंने अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट बना लिया है, इसको मैंने कूट कर बनाया है, इसे भी मैं सब्जी में डालूंगी। ये मैंने ग्वालफली को बॉयल कर लिया है, इसका कलर चेंज हो गया है हल्का सा। और इसके अलावा मैंने इसमें डालने के लिए आलू कट कर लिया है। तो अब चलिए मैं इसको ऑयल में फ्राई करती हूँ। सब्जियों को फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है। अब मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल डाल दिया मैंने। पहले मैं आलू को फ्राई करूंगी। उनको थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं। आलू को हमें ज्यादा नहीं फ्राई करना है, थोड़ा ही करना है। और अब आलू मेरे फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। मैं बॉयल किए हुए बॉयल फलियों को इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। दाल फलियों को बॉयल करने से और फ्राई करने से इसका कड़वापन निकल जाता है। दाल फलियां भी अब फ्राई हो चुकी हैं, ये भी हम निकाल लेते हैं। अब मैं ऑयल में मसालों को भूनूंगी, तो इसके लिए मैंने तड़के के लिए मेथी दाना ले लिया है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। मेथी दाना ब्राउन हो गया है। अब ये मैंने लहसुन अदरक और मिर्च का जो कूट लिया था उसको मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मैं भून लूंगी। मैंने ये जो मसाले का मिक्सचर तैयार किया था उसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ और मैं इसे अच्छी तरह से भून लूंगी। इसे मैं बड़ी ही सावधानी से भूनूंगी। मसाले अब भून चुके हैं, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं फ्राई की हुई सब्जियों को इसमें डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब मैं इसमें 2 स्पून नमक डाल देती हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, ज्यादा कम जैसा आपको टेस्ट लगे वैसा डाल सकते हैं। नमक डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, पानी आप 1/2 कप ले सकते हैं, इसलिए मैं मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसे ढक देती हूँ। मैं इसलिए इसे ढक रही हूँ कि अगर सब्जियाँ फ्राई करते समय थोड़ी बहुत अगर कच्ची रह गई हो तो ये पूरी तरह से हो जाए, इसलिए मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं सब्जी को खोलकर देख लेती हूँ ये हो गई है या नहीं। मेरी अब हो गई है, ये बहुत ही टेस्टी लग रही है। मैं थोड़ा सा इसमें खटाई डाल देती हूँ, इससे भी इसकी कड़वाहट थोड़ा दूर हो जाएगी। इसे डालकर मैं मिक्स कर देती हूँ। ग्वालफली की सब्जी अब रेडी हो गई है। तो ग्वालफली की सब्जी रेडी हो गई है, मैंने इसे बाउल में सर्व भी कर दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सब्जी टेस्टी है या नहीं तो आपको ये रेसिपी ट्राई करनी पड़ेगी। और ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ग्वालफली की रेसिपी मेरी कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।